बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकद जाअकुम रसूलुम अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैही मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल्मुमिनीना रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैही तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हज़रते गिरामी कदर, आज जो आया है करीमा मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की हैं, यह सूरह तौबा की आखिरी आयतें हैं। इन आयतों की बहुत सारी बरकात हैं, बहुत सारे फजाइल हैं और बहुत सारी शान है, और बहुत सारे मशायख ने, अहलुल्ला ने इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल रखा। मैं आपकी खिदमत में एक अहलुल्ला का ज़िक्र पेश करना चाहता हूँ। उनका नाम था हज़रत शेख शुबली रहमतुल्लाह अलैह, बगदाद शरीफ के रहने वाले थे। उनकी हालत और कैफियत ये थी कि जब लोग हंसते तो आप रोते, और जब लोग रोते तो आप मुस्कराते। लोग आपको संसार करते, पत्थर मारते, तो आप रोते। एक दिन किसी ने पूछा कि ऐ शेख शुबली, एक तरफ आशिक बनता है और दूसरी तरफ लोगों के पत्थर खाकर रोता है। कहा कि मेरे रोने के जो असबाब हैं वो डर और खौफ से नहीं है, बल्कि इसलिए है कि जब कोई मेरे ऊपर पत्थर बरसाता है, खून के फवारे जारी हो जाते हैं, वजू टूट जाता है, गफलत में चला जाता हूँ और अल्लाह की इबादत से मैं महरूम हो जाता हूँ, मैं तो इसलिए रोता हूँ। आप एक मर्तबा बगदाद शरीफ चले गए, हजरत सैयदना अबू बकर की खिदमत में हासिल हुई। हजरत अबू बकर बहुत बड़े मुहद्दस थे और उस्ताद थे, आप दर्श हदीस दे रहे थे और उनकी ज़िंदगी का ये मामूल था, दर्स हदीस के दौरान कभी भी आप किसी से ना गुफ्तगू करते ना उठकर उसका इस्तकबाल करते। लेकिन हजरत शेख शुबली रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ लाए तो आप अचानक खड़े हो गए और अपनी नशिस्त को छोड़ दिया और आपकी पेशानी का बोसा लिया। लोग बड़े हैरान हुए कि हजरत अबू बकर, हमने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा, लेकिन आज बड़ी हैरत की बात, आप खड़े होकर उस दीवाने का जिसको लोग पागल कहते हैं उसका इस्तकबाल कर रहे। आपने बिठाया और बातें करते रहे। जब वो जाने लगे तो छोड़कर आए, वापसी आकर शगिर्दों ने सवाल कर दिया कि या हजरत, ये बताएं कि शेख शुबली को लोग पागल कहते, दीवाना कहते, मजनू कहते, आपने उसका बड़ा एहतराम किया, बड़ा इस्तकबाल किया, और आपकी तो जिंदगी का यह मामूल था और मामूल है कि कभी आपने दर्स हदीस के दौरान कभी किसी से उठकर इस्तकबाल नहीं किया, तो यह क्या वजह थी? तो हजरत अबू बकर ने कहा कि मुझे कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि रात को मैंने ऐसे ही देखा था कि हुजूर की कचेरी लगी हुई थी, अकल सलाम की बारगाह में मुख्तलिफ असहाब मौजूद थे, हसनैन करीमैन मौजूद थे, लेकिन हजरत शेख शुबली जब हुजूर की कचेरी में आए, आका के दरबार में आए, तो मैंने देखा कि हुजूर खड़े हो गए थे और खड़े होकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत शेख शुबली को अपने सीने से लगाया था और आपकी पेशानी का बोसा लिया था। तो क्या जिस तरह मुस्तफ़ा करीम करें और जिसे मुस्तफ़ा पसंद करें, हजरत अबू बकर क्यों ना उसे पसंद करेगा? मैंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हुजूर के इशारे से किया था कि मेरे हुजूर ने इनके साथ ये सलूक किया है तो मैं इनके साथ ये सलूक क्यों ना करूं। और जब हजरत शेख शुबली से पूछा कि आप को ये मकाम कैसे मिला, तो आपने कहा कि मैं हर नमाज के बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
अस्सलातु वस्सलाम अलैके या रसूल अल्लाह, मैं तीन मरतबा पढ़ता हूँ और तीन मरतबा सूरह तौबा की यह आयत पढ़ता हूँ, लकद जाअकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम फइन तवल्लौ फकुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो हजरत शेख शुबली कहते हैं कि मुझे अगर ये मकाम मिला तो कुरान पाक की इन आयतों की बरकत की वजह से मिला है। तो आज आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम है। पहली चीज़ ये है कि हुजूर का कुरब नसीब होगा, हुजूर की ज़ियारत नसीब होगी, और दूसरी अहम चीज़ ये है कि दुनियावी मामलात में आप बहुत बड़े ताजर दौलतमंद बन जाएंगे। गोया कि ये सूरह तौबा की आखिरी जो आयतें हैं ये आप नमाज इशा के बाद भी 313 मरतबा पढ़ सकते हैं और नमाज तहज्जुद में भी आप 313 मरतबा इसको पढ़ सकते हैं। और आप ये चाहते हैं कि मैं बेबहा दौलतमंद हो जाऊं तो आप असर की नमाज के बाद इसे कम ओ पेश 505 मरतबा इस आयत करीमा का, ये दोनों आयतों का आप विरत करें, इंशाल्लाह दौलत आपके कदमों में होगी। पहली बात हुजूर का दीदार और हुजूर का कुरब, दूसरी बात दौलतमंद होने के लिए बेहतरीन नुस्खा है, आप इसको पढ़ें इंशाल्लाह कामयाबी होगी। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको इजाज़त लेकर पढ़ें भी और सुने भी, खुदा आपको कामयाबी अता फरमाएगा। व आखिर दावना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।